महाराष्ट्र के नासिक में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में भाजपा सरकार ने महाजनादेश यात्रा के समापन पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई सरकार के 100 दिन पूरे और पहला शतक आपके सामने है। इस शतक में धार भी है, रफ्तार भी है और आने वाले 5 वर्षों की साफ सुथरी तस्वीर भी है। पहले शतक में देश, समाज और दुनिया में नए भारत के नए दृष्टिकोण की झलक है। कठिन चुनौतियों से टक्कर लेने की ललक भी है, विकास का जोश भी है और भारत की वैश्विक ताकत का संदेश भी है। दशकों से कश्मीरियों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि हमें कश्मीर में फिर से नया स्वर्ग बनाना है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात को लेकर ऐसी अटकलें लगने लगी हैं कि ये कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को बचाने की कोशिश है। कुमार सीबीआई के निशाने पर है और उन्हें बनर्जी का करीबी माना जाता है। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से पश्चिम बंगाल में एनआरसी को लेकर कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने गृह मंत्री को एक पत्र सौंपा है जिसमें एनआरसी में छूटे लोगों को एक और मौका देने की अपील की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु स्थित HAL हवाई अड्डे से तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। इसी के साथ वो स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए। जी सूट पहने सिंह विमान में पायलट के पीछे वाली सीट पर बैठे। उनके साथ एयर वाइस मार्शल एन तिवारी भी थे। तिवारी बेंगलुरु में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नेशनल फ्लाइट टेस्ट सेंटर में परियोजना निदेशक है। उड़ान भरने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि पायलट ने जो कहा वो मैं करता गया। तेजस में उड़ान भरना अद्भुत और शानदार अनुभव था। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने तेजस विमान खरीदने में रुचि दिखाई है। हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि दुनिया भर में तेजस का निर्यात कर सके। मध्य प्रदेश में पिछले साल कांग्रेस सरकार किसानों की कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में आई। सरकार ने कुछ लोगों का कर्ज माफ भी किया, लेकिन कितनों को इस योजना का फायदा हासिल हुआ है इसके आंकड़े स्पष्ट नहीं है। राज्य के किसानों की एक बड़ी संख्या अब भी इस योजना से अछूती है। यही कारण है कि उनके अंदर कमलनाथ सरकार के प्रति नाराजगी है। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने भोपाल में कहा कि हम राज्य में किसानों से किया कर्ज माफी का वादा पूरा करने में सफल नहीं रहे हैं। राहुल गांधी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि कर्ज माफी में कितना समय और लगेगा। इससे उन किसानों के बीच अच्छा संदेश जाएगा जो नाराज हैं। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम समेत ट्रांसपोर्टरों के हितों से जुड़े मांगों को लेकर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने केंद्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ गुरुवार को चक्का जाम करने की घोषणा की है। इसके चलते गुरुवार को लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बसों से उतरने के बाद जो लोग ऑटो लेकर अपने दफ्तर या कॉलेज तक जाते हैं उन्हें कोई साधन नहीं मिल रहा। पूरे दिल्ली NCR में इस हड़ताल का व्यापक असर देखा जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्र मंत्री पी चिदम्बरम को गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत से झटका लगा है। अदालत ने उन्हें फिर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, यानी वो 3 अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। उन्हें CBI ने INX मीडिया मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले CBI ने अदालत से चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया, जिस पर चिदम्बरम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की CBI की अपील का विरोध किया। अपने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार करने संबंधी बयान को खारिज करते हुए कांग्रेस ने कहा यह अपराध का वस्त्र और धर्म नहीं देखना चाहिए। दिग्विजय सिंह के बयान के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रणब झा ने संवाददाताओं से कहा यह बयान हमारे संज्ञान में आया है। पार्टी का मानना है कि अपराधी अपराधी होता है, उसके वस्त्र और धर्म को नहीं देखना चाहिए। राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK को अपने कब्जे में लेने के बजाय जम्मू कश्मीर में विकास ऐसा हो कि नियंत्रण रेखा LOC के दूसरी तरफ के लोग
भारत में शामिल होने के लिए विद्रोह कर दें। राज्यपाल ने एक समारोह में ये बात कही। तिब्बती मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक व्यक्ति को करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण कार्य की जासूसी करते गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि उसने ये फोटोग्राफ पाकिस्तान भेजे हैं, जिसके लिए उसे 10 लाख रुपए का लालच दिया गया था। जासूसी करने वाले व्यक्ति की पहचान विपिन सिंह पुत्र मलकीत सिंह के रूप में हुई है। वो गुरदासपुर के पुल दिवड्डी का रहने वाला है। उसने पूछताछ में बताया कि उसने पाकिस्तान के मोबाइल नंबर पर कुछ तस्वीरें भेजी थी। उसने वहां बात करने के लिए वॉइस कॉल का इस्तेमाल किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लैंडर विक्रम से संपर्क साधने की काफी कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसका अब तक उससे संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। चांद पर रात होने वाली है, ऐसे में उससे संपर्क की सभी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं। इसके बावजूद भारतीयों को उम्मीद थी कि नासा उन्हें लैंडर विक्रम की एक और तस्वीर खींचकर भेजेगा, लेकिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि वो उसके ऑर्बिट में लगे कैमरे की पहुंच से बाहर है। अमेरिका जाने के लिए पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को फिनलैंड के दौरे पर जाएंगे। फिनलैंड यूरोपियन यूनियन काउंसिल का नया अध्यक्ष है। जयशंकर ऐसे समय पर फिनलैंड जा रहे हैं जब यूरोपियन संसद ने कश्मीर मुद्दे पर चर्चा की है। यूरोपीय यूनियन में विदेश मामलों की प्रतिनिधि फ्रेडरिका मैगरीनी ने भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे का द्विपक्षीय वार्ता के जरिए हल निकालने को कहा है। इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो बार मुलाकात करने वाले हैं। ये जानकारी अमेरिका में भारत के शीर्ष राजदूत ने दी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंधों में इस सदी की निर्णायक भागीदारी बनने की क्षमता है। इस साल मई में दोबारा सत्ता पर काबिज होने के बाद मोदी दो बार ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं। दोनों नेताओं की पहली बैठक जापान में G20 समिट के दौरान और दूसरी फ्रांस में G7 समिट के दौरान हुई थी। भारी बारिश और बाढ़ से मध्य प्रदेश के कई जिले प्रभावित हैं। भोपाल, उज्जैन और इंदौर संभाग में स्थिति विकराल बनी हुई है। मंदसौर में आई बाढ़ से लगभग 27,000 घर उजड़ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भोपाल, उज्जैन और इंदौर संभाग में हुआ है। प्रदेश में 530 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में 5,400 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, जबकि 24 लाख हेक्टेयर की फसल को नुकसान पहुंचने से 22 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक उड़ान के लिए अपनी वायु क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमने भारतीय उच्चायुक्त को संदेश भेज दिया है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान के लिए अपने वायु क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे। वहीं भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को विचलित करने वाले अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। इसके साथ ही उससे एक तरफा कार्रवाई के कारणों को गलत तरीके से पेश करने की अपनी आदत को भी सुधारना चाहिए। टीम इंडिया ने मोहाली के मैदान पर खेले गए T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को मात देकर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम ने कप्तान विराट कोहली की शानदार अर्धशतकीय बारी की बदौलत दक्षिणी अफ्रीकी टीम को अपनी जमीन पर T20 में पहली बार मात दी है। विराट ने 52 गेंदों में 72 रन की पारी खेल T20 के 3 विश्व रिकॉर्डों में अपना नाम दर्ज करा दिया।